पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कंगना रनौत द्वारा देश को मिली आजादी पर दिए विवादास्पद बयान के खिलाफ शुक्रवार को आम आदमी पार्टी द्वारा सीताबर्डी स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। विदर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेड़े के नेतृत्व में पार्टी ने कंगना पर देशद्रोह की धाराओं के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि कंगना ने एक न्यूज चैनल पर आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि 1947 में देश को मिली आजादी भीख थी, असली आजादी तो 2014 को मिली है। इसके बाद कंगना के बयान का विरोध किया जा रहा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वानखेड़े ने कहा कि जिस आजाद देश में उन्हें पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान से नवाजा जा रहा है, वह उसी देश के शहीदों का अपमान कर रही है। उनकी शहादत से ही देश को आजादी मिली, जिसे वह भीख बता रही है। आजादी की लड़ाई में कई महापुरुष शामिल हुए, हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, हजारों शहीद हुए, ऐसी आजादी को कंगना भीख बता रही है। ये बात यदि कोई सामान्य व्यक्ति कहता तो इसे अज्ञानता माना जा सकता था, लेकिन जिसे मोदी सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया वह ये बात करे तो बेहद निंदनीय है। ये देशद्रोह वाला बयान है। वानखेड़े ने कहा कि कंगना को अवार्ड मिले 2 दिन भी नहीं हुए थे और उन्होंने अपनी मन की बात कह दी। इससे साफ है कि वह इतने बड़े सम्मान के हकदार नहीं है। ऐसे में उन्हें स्वयं अवार्ड वापस कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारी सरकार मांग करती है कि कंगना से पद्मश्री अवार्ड वापस लिए जाए, साथ ही उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर कानूनी दायरे में सख्त कार्रवाई की जाए। एक और महात्मा गांधी के हत्यारों को फूलमाला चढ़ाई जाती है तो दूसरी तरफ आज़ादी को भीख बताते हैं। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्यवाही करते हुए सजा दिलानी चाहिए, तभी देशद्रोही बयानों पर लगाम कसी जा सकेगी। अपन सगळ्यांना माहित आहे 2 दिवसापूर्वी कंगना रनौत यांना पद्मश्री अवार्ड मिळाला आणि हा अवार्ड मिळाल्यानंतर त्यांनी काल जे स्टेटमेंट केलं की देशाला 1947 आजादी मिळाली नसून ती भीक होती, हे जे सेंटेन्स आहे हे फारच निंदनीय आहे। कारण की देशाला लढाई देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्याकरता हजारो लोकांनी आपलं बलिदान दिलं आहे, हजारो क्रांतिकारी या आजादीच्या लढाईमध्ये सहभागी होते, अनेक महापुरुष या लढाईमध्ये सहभागी होते आणि मोठ्या संघर्षानंतर 150 वर्ष संघर्ष केला लोकांनी, त्यानंतर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं आणि एखादी व्यक्ती आणि रस्त्यावरची व्यक्ती किंवा सामान्य व्यक्ती नाही, ज्या व्यक्तीला पद्मश्री अवार्ड मिळाला अशी व्यक्ती जर म्हणत असेल की ही आजादी हे खरं स्वातंत्र्य नव्हतं, खरं स्वातंत्र्य आम्हाला 2014 नंतर मिळालं, हे फारच दुःखाची आणि देशद्रोहाची गोष्ट आहे। म्हणून आम्ही आज पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन इथे त्यांच्याविरुद्ध कंप्लेंट दाखल केली आहे, त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवला गेला पाहिजे। त्यांना जो अवार्ड देण्यात आला तो अवार्डसुद्धा देण्याच्या लायक त्या नसल्यामुळे तो अवार्डसुद्धा परत घेण्यात यावा आणि त्यांनी परत जर ते स्वतः परत करत नसतील सरकारने त्यांच्याकडून तो अवार्ड काढून घ्यायला पाहिजे, ही आमची मागणी आहे आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला पाहिजे, यासाठी आज आम्ही इथे परडी पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदवली आहे। बिलकुल अपमान आहे आणि अपमान आहे एवढंच म्हणून चालणार नाही, म्हणजे हा देशद्रोहच आहे खरा तर। म्हणजे इंग्रजांच्यापेक्षाही वाईट जर कोणी वागत असेल आत्ता देशामध्ये तर हे कंगना रनौतसारखे लोक वागत आहेत। या लोकांना जोपर्यंत सजा होणार नाही हे लोक असेच बोलत राहतील। म्हणजे एकीकडे गांधीजींचा खून करणाऱ्यांची जयंती मनवायची किंवा त्यांना माला घालायच्या आणि एवढ्या मोठ्या आजादीच्या लढाईला भीक म्हणून जर कोणी संबोधित असेल त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे, हीच आमची मागणी आहे।